नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मर्क्यूरी के ट्रांजिट के बारे में। मर्क्यूरी इज गोइंग टू ट्रांजिट इन वर्गो, बुध देव कन्या राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध देव का ये राशि परिवर्तन देश और दुनिया में क्या प्रभाव लेकर के आएगा, आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो उसका हमारे जीवन पर और देश और दुनिया पर अलग अलग तरीके से प्रभाव देखने को मिलता है, और यही चीज़ हमें बुध के राशि परिवर्तन के साथ भी देखने को मिलेगी। 23 सितंबर 2024 ये वो दिन रहेगा जब बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि में जब बुधदेव प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर दो प्लैनेट ऑलरेडी बैठे हुए हैं। कन्या राशि में सूर्य और केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और बुधदेव जैसे ही यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो सूर्य केतु और बुध का त्रिग्रही योग यहाँ पर देखने को मिलेगा। त्रिग्रही योग के बनने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हुई नजर आएंगी, और इसी त्रिग्रही योग में आप कह सकते हैं कि देश और दुनिया में कई सारी घटनाएं भी हमें देखने को मिलेगी। पहले समझते हैं कि बुध का इस ट्रांजिट का मेन इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता हुआ नज़र आता है। कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई देती हैं। ये जो समय रहता है ये करेक्शन का समय रहता है। करेक्शन किसी योजना में हो सकता है, करेक्शन किसी तरह की किसी चीज़ में हो सकता है, जैसे कि आपने भी अपने जीवन में कोई गलती कर ली है, आप भी अपने जीवन में किसी चीज़ को सुधारना चाहते हैं, किसी योजना में किसी काम में बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन का समय है। ये समय डेफिनेटली परिवर्तन लेकर के आता है और अच्छे परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसे समय में कहीं जॉब में परिवर्तन करना है, कहीं मकान में चेंजेस लाने हैं, शिफ्टिंग करना है, आप डेफिनेटली इस समय को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि पितृपक्ष चल रहा है, हम मांगलिक कार्य हम नहीं करते इस समय के दौरान में, बट फिर भी आप योजनाएं बना सकते हैं, चेंजेस को लेकर के एक्सेप्टेंस रख सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। देश और दुनिया में कहा जाता है कि ये समय जो है ये लोअर क्लास के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है, मतलब कि मिडिल क्लास लोअर क्लास को ऊपर आने का मौका मिलता है। उनके लिए सरकार कुछ योजनाएं लेकर के आती है, कुछ अच्छी चीज़ें करने की और देखने को मिलती है, इस तरह के योग बनते हैं। वहीं पर उद्योग और व्यापारियों के लिए ये समय थोड़ा सा सावधानी रखकर चलने वाला समय है। यहाँ पर व्यापारियों को बड़े नुकसान से बचना चाहिए, कुछ घोटालों से बचना चाहिए, नेगेटिविटी से अपने आप को बचा करके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने इनिशियली भी आपको कहा था सितंबर की शुरुआत से पहले कि इस पूरे महीने में मर्क्यूरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नज़र आएगा। बुध का ट्रांजिट और बुध का स्ट्रक्चर इस महीने काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा, इसी वजह से इस महीने में बुध को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा डीप कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। और यही चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई देती है कि मर्क्यूरी अब यहाँ पर जैसे ही सूर्य और केतु के नज़दीक आएंगे वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब कोरोना काल चल रहा था और एजुकेशन सिस्टम में नए दौर की जब शुरुआत हो रही थी तो वो नया दौर एजुकेशन में इसी समय के दौरान में शुरू हो चुका था, इसी वजह से ये समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। आप सभी भी अगर स्टूडेंट हैं और अपने आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए कुछ नयापन ट्राई करना चाहते हैं, इस समय के दौरान में आप ज़रूर ज़रूर कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए समय बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, किसी तरह के नए एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसी वजह से देश और दुनिया में भी अगर देखा जाए तो ये समय डॉक्टरों के लिए बहुत अच्छा है, ये समय रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत अच्छा है, नासा के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कोई बड़ी खोज यहाँ पर करी जा सकती है, किसी बड़ी खोज को करने की कोशिश यहाँ पर करी जा सकती है जो कि अच्छे परिणाम लेकर के आती है, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं, और इसी वजह से ये समय एक पॉजिटिव टाइम फ्रेम में यहाँ पर कवर होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर बस दो ही चीज़ों को लेकर के सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़,
किसी भी तरह के गलत काम में अपने आप को ना उलझाएं, क्योंकि यहां पर अगर आप गलत काम में उलझ गए, देखिए ये वो टाइम फ्रेम है जहां पर राहु और केतु भी यहां पर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं। गलत काम से किया हुआ कोई भी आप कदम बढ़ाते हैं तो वहां पर आपको परेशानी होगी ही होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये समय आप सभी को फाइनेंशियल लॉसेस से अपने आप को बचा करके चलना है। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा सावधानी रखकर चलिएगा, क्योंकि बुध का ये ट्रांजिट जो है ये मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। इस तरह के योग बनते हैं, इस वजह से भी आप देखिएगा कि 23 सितंबर के बाद मार्केट में अस्त व्यस्त माहौल थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, असंतोष थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं मार्केट में अटकता और फंसता हुआ नज़र आएगा। तो थोड़ी सी सावधानी और प्लानिंग के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई ट्रेड करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको कुछ सेक्टर्स बता देता हूँ, उन सेक्टर्स से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और उन सेक्टर्स में अगर आप किसी तरह से कोई काम करते हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। पहली चीज़ यहाँ पर जो रहेगा, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा ये ऑयल एंड केमिकल मार्केट पर देखने को मिलेगा। ऑयल एंड केमिकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्ट्रगल यहाँ पर नज़र आता है। इस वजह से मैंने लास्ट टाइम भी कहा था क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा सा परेशान करता हुआ नज़र आएगा, केमिकल मार्केट थोड़ा सा परेशान करता हुआ नज़र आएगा, और ऐसे में आप सभी को इससे थोड़ा सा बचना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, रिलायंस पेट्रोलियम अगर हम देखें तो थोड़ा सा सावधानी रखें, जल्दबाजी किसी चीज़ की ना करें, यहाँ पर भी आपको नुकसान होता हुआ नजर आएगा। बैंकिंग सेक्टर मैंने कहा था अच्छा मुनाफा दे सकते हैं और बैंकिंग में आपको फ़ायदा मिल सकता है, ये समय भी बैंकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो डेफिनेटली अगर आप बैंकिंग में कुछ भी काम करते हैं या कोई भी चीज़ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा ज़रूर ज़रूर मिल जाएगा। मेडिकल सेक्टर बहुत अच्छा है, जैसे मैंने पहले भी कहा मेडिकल सेक्टर में अच्छे रिजल्ट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर स्टेबल रहेगा एंड पॉजिटिव ग्राफ के साथ ही ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि समय में काफ़ी अच्छा फायदा देखने को मिल जाएगा। ये जो समय रहेगा जब मर्क्यूरी सन एंड केतु का कंजक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मीडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। मीडिया और मीडिया से जुड़े हुए लोगों का यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा फायदा हो सकता है। मीडिया काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। इस वजह से इस समय में मीडिया की तरक्की काफ़ी ज़्यादा और मीडिया से जुड़े हुए लोगों की तरक्की काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर आप सभी को मति भ्रम होने से अपने आप को बचाना है। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि राहु आने वाले समय में अपना बड़ा भारी प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा, और राहु जब अपना भारी प्रभाव दे रहा है तो वहां पर मति भ्रम के योग से हमें पूरी तरह से बचना है। बुध को हम बुद्धि का कारक मानते हैं, वहीं पर राहु और केतु के इन्फ्लुएंस में जब मर्क्यूरी आता है तो लालच लेकर के आता है, नेगेटिविटी लेकर के आता है, असंतोष लेकर के आता है, और ऐसे में अगर आप सभी अपने आप को संभाल करके नहीं चलेंगे तो वहां पर परेशानियां थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। इस वजह से मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था दैट दिस इज द लास्ट चांस, उसके बाद आपको आगे मौका नहीं मिलेगा, और यहीं पर वो आपका मौका जो है वो खत्म होता हुआ नजर आता है। जितना जल्दी संभलेंगे उतना ही जल्दी अपने आप को आगे ले जाते हुए नजर आएंगे। स्पेसिफिक राशियों की यहाँ पर बात करें कि कौन सी राशि के लिए थोड़ा सा फेवरेबल रहेगा ये ट्रांजिट और कौन सी राशि को थोड़ा सा सावधानी रखकर चलने की ज़रूरत है, तो वैसे एक एक राशि का डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, बट कुछ राशियों के नाम जरूर यहाँ पर बता देता हूँ जिन्हें फायदा और नुकसान देखने को मिलेगा। नुकसान में जो राशियाँ रहेंगी उसमें मेष राशि, कर्क राशि, कुंभ राशि और मीन राशि थोड़ा सा सावधानी रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। मेष राशि, कर्क राशि, कुंभ राशि और मीन राशि को सावधानी रखनी है। वहीं पर ये समय जो रहेगा ये मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा समय है, वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा समय है, कन्या राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय दिखाई देता है, और धनु राशि को भी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ राशियों के लिए अच्छा और कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा संभाल कर चलना है। किस में संभाल कर चलना है, जो मैंने सारी चीज़ें बताई वीडियो के दौरान, इन सारी चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि मर्क्यूरी का ये ट्रांजिट आपके लिए कोई नुकसान लेकर के ना आए और आप भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट से अपने आप को आगे लेकर के चलें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।